हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखने वाले हैं कि अपनी फोटो में से किस तरीके से बैकग्राउंड को क्लीन कर सकते हैं, मतलब कि अपने बैकग्राउंड को एकदम साफ कर सकते हैं, जैसे कि वहाँ पे कोई हो ही ना। शुरू करते हैं। तो हमने एक फोटो ली हुई है, तो हम पहले इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं ताकि हम बाद में उसका कंपेरिजन कर सकें। तो हम इसमें तीन टूल्स का इस्तेमाल करेंगे, स्पॉटिंग टूल, पैच टूल एंड देन क्लोन स्टैम्प टूल। तो हम अगर इस पर होल्ड करेंगे तो हमारे पास ये है स्पॉट हीलिंग टूल, इसमें हमारा पैच टूल है, हमारा क्लोन स्टैम्प टूल नीचे है, उसे हम बाद में देखेंगे। तो हमें इसमें अपने ब्रश का साइज को एडजस्ट करना है, अपने जहाँ पे हमें इसे पेंट करना है, एंड देन बस हमें सिंपली ब्रश का साइज एडजस्ट करके पेंट करते जाना है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पेंट करेंगे और देन ये गायब हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने पेंट किया एंड देन जैसे हम पेंट करना बंद करेंगे तो ये प्रोसेस होगी वहाँ पे गायब हो जाएगा। तो बस आपको ध्यान रखना है कि आपका कंटेंट अवेयर पे रहना चाहिए, वो चीज़ ऑप्शन है, पर आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कंटेंट अवेयर, वैसे डिफॉल्ट रहता है, तो आपको वही ध्यान रखना है एंड देन पेंट करते जाना है बस। कुछ कुछ दिक्कतें आएंगी तो आप वहाँ दोबारा पेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से आप दोबारा पेंट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें हम दो टूल्स देखने वाले हैं, तो हमारा स्पॉट हीलिंग टूल, पैच टूल और हमारा क्लोन स्टैम्प टूल। मैंने दो इसलिए बोला क्योंकि जो हमारे पहले टूल्स हैं स्पॉट हीलिंग और पैच टूल, वो हमारे एक ही टूल के अंदर है, और जो हमारा क्लोन स्टैम्प टूल है वो हमारा अलग है। तो अभी हमारा चल रहा है स्पॉट हीलिंग टूल। तो इस तरीके से बस हमें पेंट करते जाना है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि बस मैं पेंट कर रहा हूँ और वहाँ से वो रिमूव होता जा रहा है। तो कुछ चीज़ें हमारी इससे काम नहीं करेंगी, जैसे कि हमारा ये वाला इस पर वर्क नहीं कर रहा है। तो पहले हम जहाँ वर्क कर रहा है पहले वहाँ से हटा देते हैं। तो इस पर भी इसने इतना अच्छे से काम नहीं करा, इस पर भी काम नहीं कर रहा। तो एक बार ट्राई कर करके देख लेते हैं कि किस पे ये टूल काम वर्क कर रहा है, किसको अच्छे से रिमूव कर पा रहा है। तो एक बार हम अब टूल चेंज करते हैं, ये हमारा है पैच टूल। तो हमने इससे बस एक सिलेक्शन बना लेना है और हमें उस सिलेक्शन को मूव कर देना है किसी खाली जगह पर जहाँ पे वो कुछ ना हो। तो आप देख सकते हैं कि इस टूल से हमारा काम हो गया है। तो एक बार इसको ट्राई करते हैं हम। तो जैसे कि मैं यहाँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ काला काला सा हो गया था, तो ये टूल हमारा यहाँ पर काम नहीं कर पा रहा है। तो फिर हम वापस स्पॉट हीलिंग पर आ जाते हैं। तो इससे जितना होता है उससे एक बार ट्राई करते हैं, एक बार इसको भी ट्राई करके देखते हैं कि इससे रिमूव होता है या नहीं होता। जिस टूल से जितना काम होगा उस टूल से उतना काम लेंगे, बाकी बट हमारे पास क्लोन स्टैम्प टूल था ही, वो टूल तो काम करेगा ही करेगा। तो इस फोटो को हम जूम कर लेते हैं और हम क्लोन स्टैम्प टूल पर आ जाते हैं। तो ये रहा हमारा क्लोन स्टैम्प टूल। तो इसमें हमें क्या करना है, हमने इसमें ऑल्ट प्रेस करके पहले एक जगह से, खाली जगह से एक सैंपल ले लेना है, उस सैंपल को हम पेंट करेंगे। तो हमने ब्रश का साइज थोड़ा सा बड़ा कर लिया एंड देन ऑल्ट प्रेस करेंगे। तो ऑल्ट प्रेस करते ऐसे निशान आ जाएगा। तो आपको खाली जगह से एक सैंपल ले लेना है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं वहाँ से हमने सैंपल लिया। तो यहाँ पे बस हमें सैंपल लेके पेंट करते जाना है। अगर आपको लगे कुछ गड़बड़ हो गई तो दोबारा से सैंपल ले लीजिए, क्योंकि वो सैंपल को मूव करता रहता है, जितना माउस आगे करेंगे उतना ही सैंपल भी आपका मूव हो जाएगा। तो वापस सैंपल ले लेके आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं पेंट कर रहा हूँ। तो वीडियो को मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ ताकि आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो इस तरीके से आपको पेंट करते जाना है, सैंपल लेना है पेंट करना है, सैंपल लेना है पेंट करना है। तो पैटर्न का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप पैटर्न से अगर सैंपल ले रहे हैं तो पैटर्न से पैटर्न मैच करना चाहिए। तो थोड़ा बहुत बिगड़ता है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि काफ़ी जूम है फोटो को, जूम आउट करेंगे तो उसका पता ही नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी जितना हो सकता है उतना तो हम करेंगे। और इसके भी हम क्लोन स्टैम्प टूल से करेंगे, इस पैटर्न का ध्यान रखना पड़ेगा जैसा कि पैटर्न यहाँ पर मेंटेन रहे। और अगर आपको जहाँ जहाँ कुछ अगर परेशानी लगती है कि वहाँ वहाँ रह गया, तो दोबारा पैच टूल से और स्पॉट हीलिंग से आप एक बार दोबारा टचअप कर लेंगे फोटो को, तो बहुत आराम से आप फोटो को देख सकते हैं हमने कितनी आराम से फोटो को क्लीन कर लिया। जो हमारा ये है पैर के निशान रह रखे हैं, हम इसमें आएंगे पैच टूल में आएंगे, तो यहाँ पर एक पैच बनाएंगे सिलेक्शन से और देन उसे फिर से हम मूव कर देंगे किसी खाली जगह में। इस तरीके से सिलेक्शन बना के हम खाली जगह पे जहाँ पे हमारा सही है वहाँ पे मूव कर देंगे, तो देन हमारा वो ठीक हो जाएगा। तो हम कंपेरिजन देख सकते हैं कि हमारे कितने सारे पीछे बैकग्राउंड में लोग थे, हमने सारे क्लीन कर दिए। थैंक यू गाइज़।